आज हम बनाएंगे समर स्पेशल बच्चों के फेवरेट पॉप्सिकल्स, ताजे फल के फ्लेवर और रंगों वाली चुस्कियाँ, एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल, जिन्हें आपके बच्चे फुल एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 तरह के फल लिए हैं, जो है काले अंगूर, संतरे और तरबूज। तो चलो देर किस बात की, पॉप्सिकल्स बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं काले काले बड़े बड़े अंगूर, लगभग 1 कप। इन्हें हमने अच्छे से पानी से धो के लिए हैं। ये जाएंगे ब्लेंडिंग जार में। साथ में ऐड करेंगे 2 चम्मच शुगर पाउडर, 1 चुटकी काला नमक, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और थोड़े से आइस क्यूब। जूसर को ढक्कन लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। 1 मिनट में अंगूर का जूस बनके तैयार है। इसे हम छान लेते हैं और साइड में रख देते हैं और बनाते हैं नेक्स्ट जूस। ये हमने 2 संतरे लिए हैं, इन्हें बीच से काट लेते हैं, इनके बीज निकाल लेते हैं, इनको हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। सीड निकालने से संतरे का जूस कड़वा नहीं बनता है। साथ में डालते हैं 2 चम्मच पाउडर शुगर, 1 चुटकी काला नमक और थोड़े आइस क्यूब। ढक्कन लगा के इन्हें ब्लेंड करते हैं। पल्प में थोड़ा ठंडा पानी डाल के छान लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। अब बारी है तरबूज की। यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप तरबूज के टुकड़े बीज निकाल के लिए हैं। इनको हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। साथ में डालते हैं 2 चम्मच पाउडर शुगर, थोड़ा सा काला नमक और ढेर सारा बर्फ। एक मिनट में वाटरमेलन का जूस बन गया है, इसे छान लेते हैं। अगर आपने लिए हुए फल मीठे नहीं हैं, तो आप इसे टेस्ट करके जूस में थोड़ी शक्कर ऐड कर सकते हो। हमारे बढ़िया से ताजे फूलों के 3 प्यारे रंगों वाले पॉप्सिकल्स के जूस तैयार हैं। मेरे पास एक पॉप्सिकल्स का 6 मोड़ का एक सेट है। हम अंगूर के जूस को इस जग में डाल देते हैं, इससे हमें जूस को मोड़ में डालने में आसानी होगी। पहले हम अंगूर के जूस को मोड़ में डालते हैं, नेक्स्ट डालते हैं ऑरेंज का जूस और फिर वाटरमेलन का जूस। पॉप्सिकल्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा गाढ़ा जूस नहीं लेना है। गाढ़ा जूस लेने से पॉप्सिकल अच्छे से जम नहीं जाते हैं, इसलिए अगर आपका जूस थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है तो इसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड कर सकते हो। बचे हुए मोल्ड्स भी इसी प्रकार भर देते हैं। बाहर गिरा हुआ जूस को टिश्यू से साफ करते हैं और मोल्ड को ढक्कन लगा के 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। अगर आपके पास पॉप्सिकल्स मोल्ड्स नहीं है तो आपको जूस को डिस्पोजेबल कप्स में भरना है। ऊपर से एल्यूमिनियम और फॉइल से कवर करके बीच में छेद करके स्टिक लगानी है और इन्हें फ्रीजर में रखना है। मैंने इन्हें रात भर फ्रीजर में रख दिया था। हमने मोल्ड्स को रात भर फ्रिज में रखा था, अब इन्हें डीमोल्ड करके लेना है, पर इन्हें एकदम से ओढ़कर बाहर नहीं निकालेंगे। एक बड़े बाउल में पानी लेके मिनट भर के लिए मोल्ड्स को डुबा के रखते हैं, फिर एक एक पॉप्सिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो ये अब आसानी से बाहर निकल आए हैं। कितने प्यारे रंग हैं ना, लाल, नारंगी और जामुनी। आपने तो देखा ही है कि जूस बनाते समय हमने किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एकदम शुद्ध और नैसर्गिक जूस बनाए हैं। चलो अब इन्हें चख के देखते हैं। तीनों फ्लेवर एकदम यम्मी हैं और ताजे फलों का स्वाद तो माइंड ब्लोइंग है। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बता देना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग रेसिपी के साथ।